So we rescued this beautiful specimen. It's one spectacle cobra, as you can see, and we are gonna release him over here. So we'll just take him along. Perfect. Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video and I'm sure इस video को properly देखने के बाद जितने भी pet shop owners हैं या फिर जो लोग काम करते हैं इनका या फिर जितने जिनके भी businesses और वो सब हैं वो मेरे को गाली देंगे जैसे पहले भी लोगों ने दी है काफी. Snowy is barking. Give me a second. तो यस मैं कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ता हूँ स्नोई जब भी भौंकती है क्योंकि थोड़ा सा यू नो आई ट्रस्ट हर सो मच. तो उसको लग रहा था शायद कोई हमारे घर पर आ रहा है तो दैट्स व्हाई शी बार्क. पर वो हमारे घर पर नहीं आया था. एनीवेज सो या स्नोई अब मेरे पास ही बैठी है. तो जैसा कि मैं बोल रहा था बहुत सारे पेट शॉप ओनर्स और ये सब समझते हैं कि आई हेट देम और समथिंग बट आई डोंट हैव एनी हेट्रेड. मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ बस एथिक्स का ध्यान रखिए और रिस्पेक्ट करिए एनिमल्स की. काफ़ी सारे लोग हैं आई नो देम जो कि हु आर डूइंग यही पेट्स और इन ऑल में बिजनेस वगैरह बट दे कीप देम वेरी वेरी गुड इन वेरी वेरी गुड कंडीशंस. एकदम बच्चे जैसे रखते हैं देन दे सेल देयर किड्स और बेबीज और ऐसे ऐसे करके वो दे डील देम एंड इफ़ यू कैन रिस्पेक्ट अच्छे से तो मैं नफरत क्यों ही करूँगा. तो पर ये पेट को अच्छे से रखने के लिए या नहीं के बारे में वीडियो नहीं है. दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ पेट शॉप्स आर पुटिंग वाइल्ड लाइफ इन डेंजर. पेट शॉप ओनर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए या काफ़ी बार बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए भी वो ऐसे चीज़ों को ऐसे स्पीशीज़ में वो ऐसे यू नो दे डील ऐसे डील करके उनको बेचते हैं. थोड़े बहुत प्रॉफिट हो जाता है उनको काफ़ी बार ज़्यादा हो जाता है. तो दिस वीडियो इज़ इन्वॉल्विंग दैट और प्रॉपर सबूत के साथ और सब कुछ आप देखेंगे. एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो पूरा देखना अच्छे से. आई वुड रिक्वेस्ट यू क्योंकि उसी के पैसे मिलते हैं. सो एनीवेज ये कुछ रिसेंटली एज यू नो आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फौना फाउंडेशन. तो हमें लोग कॉल करते रहते हैं काफ़ी बार. तो दिस इज़ वन ऑफ देम कि हमारे पास जो मैसेजेस और वो सब आए थे somebody told us कि वहाँ पर ये स्पीशीज़ हैं. तो आई एम गोना शो यू तीन ऐसे जो भी मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे उसमें आई एम गोना शो यू एवरीथिंग. स्पीशीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे. तो यस लेट्स गो. हाँ जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्लम हेडेड पैराकीट के बारे में जिसको हम हिंदी में बदन कौर बोलते हैं. जितने भी लोग वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड दे हैव अ गुड नॉलेज तो दे वुड बी नोइंग कि प्लम हेडेड पैराकीट जिनको हम मदन कौर बोलते हैं वो पहले से अब कितने ज़्यादा कम हो गए हैं. पहले वो दिल्ली में भी नॉर्मली दिख जाते थे काफ़ी अच्छे से पर अब ये बात अगर किसी को बताओ तो वो लोग बिलीव नहीं करते. दे आर लाइक कि नहीं ये तो पहाड़ों पे मिलते हैं या फिर सम से ये अरावली रेंज के पास मिलते हैं राजस्थान अराउंड. तो बट दे यूज टू बी हियर. वो दिल्ली में ऐसे नॉर्मली घूमते थे जैसे इंडियन रिंग नेक पैरट अब घूमते हैं और अलेक्जेंड्रियन पैराकीट अब घूमते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है पर इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हुई है और वो इनके कलर की वजह से ऑब्वियसली दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. जो फीमेल होती है वो एक ग्रेइश ब्लूइश ऐसा कलर हो जाता है उसके हेड का और मेल का एकदम प्रॉपर रेड होता है. एंड यू कैन सी यहाँ पर देर आर पेयर्स और देर आर टू पेयर्स एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. ये बहुत जल्दी अभी मतलब एज इन उसको रिसेंटली ही पकड़ा होगा तभी देवर इन अ गुड शेप और उनको चोटें भी ऐसे कुछ ज़्यादा थी नहीं. तो आई गॉट अ कॉल उसके लिए तो हम वहाँ पर पहुँचे. सो वी हैव दीज ब्यूटिफुल लुकिंग प्लम हेडेड पैराकीट. ये कम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इट्स एन इलीगल स्पीशीज. वी आर एट अ पेट शॉप. वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू जस्ट टेल हिम हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर द नेचर. सो दैट्स वाई ही इज नाउ वॉन्टिंग टू गिव दैम एंड वी आर गेटिंग हिम इन टू रिहैबिलिटेशन वेरी सून.
You can see my friend Rahis, he is taking out the bird from the cage itself. So we have explained him a lot and so on. So then, because हर किसी पे केस करना and this doesn't involve जब तक वो इंसान समझता है तो हमने जाके उनको अच्छे से समझाया. Then he was like कि हाँ जी भैया मेरी इतने की खरीद थी और ऐसे मुझे पता नहीं था ये लीगल है वरना मैं लाता नहीं तो लोगों को पता नहीं है. So that's how then I took care of the birds. उनको वापस you know wild में release करने लायक बनाया और उसके बाद में you can see this. It's a very beautiful thing when a bird flies off, you know. Cage aise jab bahar nikal jati hai, it looks really good. Aur Delhi mein nahi, waise India mein logo ko ek cheez mein badi confusion hoti hai. Usko hum bolte hain munia. Munia is a small bird, jisko hum English mein finches bolte hain. और वैसे मुनिया तो हर किसी बर्ड को बोल देते हैं जबकि उसको पकड़ के ऐसे रंग कर देते हैं और वो बोल देते हैं मुनिया. तो यही सिमिलर केस अभी पता लगा था मुझे कि एक बंदा है वो उसने केज में काफ़ी सारे फिंचेस रखे हुए थे. दे वर स्केली ब्रेस्टेड मुनिया और फिंचेस. दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे. तो जब मैंने केज में देखा आई वॉज शॉक्ड. सब थे अपने अलग अलग कलर के, मतलब कोई रेड था, कोई ब्लू था, कोई येलो था. और उन्होंने असली में उनको ऐसे पकड़कर ऐसे कलर में डुबा कर निकाला हुआ था. तो उसमें ऑपरेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो ख़राब हो गया. स्केली ब्रेस्टेड मुनिया बहुत सारे कलर्स में वहाँ पर प्रेजेंट थी एंड आई वाज रियली यू नो आई डिडंट नो व्हाट टू डू. तो मैंने आई गेव अ कॉल टू माय डॉक्टर माय वेट. ही टोल्ड मी कि पहले उनको हाइड्रेट करते हैं, प्रॉपर स्टेबल करते हैं, उसके बाद में वील डू द ट्रीटमेंट. पर जब मैं उनको घर लेकर गया थोड़े टाइम बाद ही आई सॉ देम, वो ऐसे मरी हुई पड़ी थी बेचारी. बस उसमें एक जिंदा थी और मैंने जल्दी से बाहर निकाल कर देखा कि क्या है उनको क्या नहीं. बट आई कुडंट मेक इट आउट. जिस कलर में उनको डिप किया था वो कलर उनके अंदर जा चुका था, तो उसकी वजह से दे माइट हैव डाइड. सो आई हैव गॉट अ वेरी बैड न्यूज़. अभी व्हेन आई जस्ट केम होम तो मैंने देखा कि इनके ये हाल हुए हैं. तो मैं ऐसे कभी भी, मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसकी अभी ऐसे दिखाकर. आई वॉन्ट टू शो यू गाइज समथिंग. तो यहाँ पर जो बोन होता है उससे हम पता लगाते हैं अगर वो प्रॉपरली आपको फील हो रहा है बाहर आते हुए, तो उसका मतलब ये होता है कि जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड और बहुत ज़्यादा मॉलन्यूट्रिशन में था और बहुत ही ज़्यादा वीक है ये. इसकी बोन ऐसे पूरा बाहर निकला हुआ है एंड यू कैन सी इसके पूरे ऐसे विंग्स में और पूरा पूरा बैक और हर जगह उस बेचारे को उन्होंने कलर किया हुआ है. और ये ऐसे ही उठा के ऐसे ही ऊपर से ऐसे बस डिप कर देते हैं इनको एंड यू कैन सी हाउ दे कलर देम येलो और दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रेड. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस. और इनको आई एम श्योर इनके पेट में और हर जगह वो कलर गया है और ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से ऐसे डिप वाला मेथड इन पे यूज़ किया हुआ है. आई एम गोना ब्री देम. मैं इनको कभी गाड़ के आने वाला हूँ एंड इट्स रियली सैड. इनको हम बोलते हैं स्केली ब्रेस्टेड फिंच या फिर स्केली ब्रेस्टेड मुनिया. स्पाइस मुनिया भी इनको बोला जाता है. और दे आर जस्ट पुअर सोल्स. दे हैव जस्ट ह्यूमंस हैव किल्ड देम फॉर जस्ट सम ऑफ द मनी एंड इट्स वेरी सैड. तो यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा धजियाँ उड़ गई इसकी एंड आई कुडंट हैंडल माई सेल्फ थोड़ा सा. पर अभी एक है और वो अभी रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में जा रही है बिकॉज यू नो दे आर वेरी सेंसिटिव. और जो नेक्स्ट केस है वो भी ऐसा ही कुछ है. यू कैन सी दिस.
टर्टल्स का तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है कुछ सुंदर स्पीशीज इंडियन हो सकती है, तो इसलिए रूफ टर्टल बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, वो उठा उठा कर उनको सेल करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं, आई नो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आपके पास तो इतने सारे पेट्स हैं, ये उनमें से कुछ भी लीगल नहीं है। जब भी जो भी लॉज बनाए हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में इंडिया में, उनका कुछ मतलब ही है, तभी उनको बैन किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे पेट शॉप्स पे दिखते हैं तो आई नो ज़्यादा लोग नहीं हेल्प कर पाते, पर ट्राई योर लेवल बेस्ट, उनके पीछे पड़े रहिए उनको समझाने के लिए, एंड प्लीज़ डू दिस। और मैंने काफ़ी को तो देखा है रफ स्केल्स एंड बोआ तक उन्होंने अफ्रीकन बॉल पाइथन बना के बेचा हुआ है लोगों को, तो प्लीज़ थोड़ी सी आँख खोल के रखिए, बिना किसी चीज़ के जाने कुछ मत लेकर आइए, और जस्ट नो यू योर सेल्फ, नो योर पेट, नो योर एनिमल, एंड सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स टू, एंड द एनिमल्स ऑल अराउंड योर हाउस, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर वो बीमार हैं तो थोड़ी सी यू नो उनकी मदद कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।